द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से भयंकर तबाही, 400 की मौत, सैकड़ों लापता, दर्जनों घर मलबे में तब्दील। आरएसएस प्रमुख राजस्थान में लगे संगठन को मजबूत करने में, प्रांतीय मातृशक्ति संगम में कहा महिलाएं किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं। प्रवीण भाई तोगड़िया ने साधा प्रधानमंत्री का निशाना, कहा समय के साथ बदल गए पीएम के स्वर, 21 अक्टूबर को करेंगे अयोध्या कूच। और आसाराम की सहयोगी शिल्पी की सजा स्थगित, हाईकोर्ट ने दिए छोड़ने के आदेश। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आए जबरदस्त भूकंप और सुनामी की वजह से 400 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके के बाद यहां के दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। पालू शहर में सुनामी का सबसे ज्यादा असर देखा गया, जहां समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। एक अधिकारी ने बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका जताई और लोगों से भूकंप के बाद लगने वाले तेज झटकों के खतरे के चलते घर से बाहर रहने की अपील की। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को भारत का जवाब था। उन्होंने साफ कहा है कि भले ही पाकिस्तान ने इससे सबक सीखा हो या नहीं, सीमा पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही पाकिस्तान पर हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें सीमा के इस पार भेजने से बाज आएगा। तारिक अनवर अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के सहयोग से वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। शरद पवार का राफेल डील पर नरेंद्र मोदी का साथ देना तारिक अनवर को नागवार गुजरा था और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ साथ लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर शरद पवार का 19 साल पुराना साथ छोड़ने वाले तारिक अनवर ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस बाहें फैलाए उनके स्वागत के लिए तैयारी में है। तारिक अनवर का रिश्ता कांग्रेस पुराना है, उन्होंने इसी पार्टी से राजनीतिक शुरुआत की थी। 1976 में वह बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1980 में कटिहार में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 2 अक्टूबर से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि पिछले 4 साल में सरकार टाला मटोल का रवैया अपनाती रही और लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। हजारे ने लिखा है कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 16 अगस्त 2011 को समूचा देश सड़कों पर उतर आया था, आपकी सरकार इसी आंदोलन की वजह से सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि 4 साल बीत गए, लेकिन सरकार किसी न किसी कारण से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति टालती रही। हजारे ने इससे पहले घोषणा की थी कि वे गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से रालेगढ़ सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक शिक्षक के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं के पैर छूने वाले वीडियो के वायरल होने पर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश मानने वाले इस देश में एक शिक्षक को धमकी देना कौन सा संस्कार है। गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मंदसौर में सत्ताधारी पार्टी के छात्र नेताओं द्वारा एक गुरु का अपमान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर मानने वाले देश में ये कौन सा संस्कार है कि एक छात्र धमकी दे और गुरु उनके पांव छुए। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक शिक्षक एबीवीपी नेताओं के पैर छूते नजर आ रहे हैं। 10 दिन के लंबे प्रवास पर राजस्थान के दौरे पर आए आरएसएस के मुखिया मोहन राव भागवत का पूरा जोर संगठन को मजबूत करने पर है। नागौर के बाद भागवत अब जयपुर में विभिन्न प्रकल्पों और वर्गों के बीच जाकर संघ की शक्ति बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में प्रांतीय मातृशक्ति संगम में भागवत ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। समाज हो या सेवा का क्षेत्र, महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने संघ के महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति के गठन से लेकर अब तक की गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा कि अब समय
आ गया है कि महिलाओं को देश के उत्थान में सहयोग देने आगे आना होगा। राष्ट्र सेविका समिति के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश भर की 284 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आज का ये जो मातृशक्ति संगम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित किया गया है। इस मातृशक्ति संगम में पूरे राजस्थान से विभिन्न संगठनों में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, तो उनका ये मातृशक्ति संगम है। उनको आगे जाकर और उनकी सक्रियता बढ़े और समाज की अन्य महिलाओं को साथ लेकर उनको भी एक राष्ट्रोत्थान के लिए, समाजोत्थान के लिए एक अच्छी दिशा प्रदान करें, इस हेतु ये मातृशक्ति संगम का आयोजन किया गया है। अभी इस संगम में 284 महिलाओं का पंजीयन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि वो 21 अक्टूबर को लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर के लिए कूच करेंगे। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना ही हमारा एकमात्र मकसद है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहे तोगड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय के साथ सब बदल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने पीएम बनते ही अपनी विचारधारा बदल ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा बीते दिनों दिए गए बयानों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख परिवर्तित नहीं बल्कि परावर्तित हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्माननीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं, परिवर्तन होता है। वो मैं डॉक्टर के नाते समझता हूं, मेरे बाल काले थे सफेद हो गए, परंतु परावर्तन तो पहली बार देख रहा हूं। सिद्धांत से उल्टा उसको परावर्तन। 90 साल तक एक विचार लेकर चले थे, हिंदू ही राष्ट्रीय है। 90 साल के बाद कहा कि 90 साल का हेडगेवार गोलवेलकर का विचार गलत था। मेरा कहना है कि 9 साल के बाद फिर से नहीं कहेंगे कि आज का विचार भी गलत था, उनकी क्या गारंटी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 90 साल तक एक विचार लेकर चले थे, लेकिन वर्तमान संघ ने उनके विचारों को विसर्जित कर दिया है। भागवत के बयान को लेकर तोगड़िया ने कहा कि कभी संघ कहता था कि हिंदी है राष्ट्र है, लेकिन अब कह रहा है कि मुसलमान के बिना हिंदुत्व नहीं है। आज 32 वर्षों के बाद जब 4 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब संसद में राम मंदिर का कानून क्यों नहीं बनाया? एससी एसटी कानून की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं कोर्ट नहीं, संसद निर्णय करेगी। और राम मंदिर की बात आती है तो वही मोदी जी पलट जाते हैं, कहते हैं संसद नहीं कोर्ट निर्णय करेगी। समय के साथ विचार बदलता है, वो तो सुना है। सत्ता के साथ विचारधारा बदल रही है, वह हम देख रहे हैं। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के सजायाफ्ता कैदी आसाराम की सहयोगी और सह आरोपी शिल्पी उर्फ संचिता को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश विजय विश्नोई की अदालत ने शिल्पी की सजा स्थगित करते हुए उसे जमानत दे दी है। शिल्पी आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में वार्डन थी, वह आसाराम की नजदीकी सहयोगी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बलात्कार की साजिश में शिल्पी भी शामिल थी। शिल्पी उर्फ संचिता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील के बाद सजा स्थगन याचिका यानी SOS पेश की गई थी। इस पर जस्टिस विश्नोई ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। आसाराम मामले की सह अभियुक्त छिंदवाड़ा आश्रम की हॉस्टल वार्डन शिल्पी को SC ST कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने इसी वर्ष 25 अप्रैल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। कांग्रेस घर घर जाकर 2 अक्टूबर को जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी।
बैठक में पूर्व परिवहन मंत्री ब्रज कुमार शर्मा सहित कई नेता, संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। इस दौरान वे लोगों से पार्टी के लिए चंदा भी एकत्रित करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 2 अक्टूबर से लोक संपर्क अभियान शुरू कर रही है, घर घर जाकर कांग्रेस का प्रचार भी, और कांग्रेस एक एक घर से जितनी मदद मिल सके उतना पैसा जुटाना, उससे मदद लेना, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुनाव लड़ना है, देश की आवाज़ को मजबूत करना है, देश के दर्द को मिटाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को चिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का संदेश पूरे देश में प्रसारित हुआ है। एक ही संदेश है, लोक संपर्क अभियान हो, घर घर तक आप जाएं, जाकर बात करें। इस वक्त हालात बहुत खराब है, गौरव यात्रा चल रही है। राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीकानेर निदेशालय के सामने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर मुंडन करवाकर बेरोजगारों ने विरोध किया। बाद में बीकानेर निदेशालय के निदेशक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बेरोजगारों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि अनशनकारियों की तबीयत खराब हुई, सरकार व अधिकारी बेरोजगार अनशनकारियों की सुध नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।